नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS में शानदार भागीदारी की तैयारी संघ आगे बढ़ा है। गोरखपुर जिले को अब तक मिल चुके हैं 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। स्थानीय स्तर पर मिलेगा 50,000 लोगों को रोजगार। जनपद में चल रही PRD जवानों की भर्ती को उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के महानिदेशक ने अगले आदेश तक किया स्थगित। जिला युवा कल्याण अधिकारी ने कहा, अगले आदेश मिलने के बाद की जाएगी भर्ती, जमा फार्म है सुरक्षित। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को जिताने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों ने की बैठक। कहा, भाजपा प्रत्याशी सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे चुनाव, सभी छात्र हैं उनके साथ। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के सपा प्रत्याशी के समर्थन में सपा के वरिष्ठ नेता राजीव पांडे ने दिया समर्थन। कहा, पिछले कुछ सालों से MLC चुनाव के लिए कर रहा था तैयारी, लेकिन पार्टी द्वारा प्रत्याशी बदले जाने पर दे रहा हूँ समर्थन। सपा प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य ने कहा, सभी शिक्षकों के गुट है हमारे साथ, 70% वोटों से जीतेंगे चुनाव। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में चल रहे मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के समापन के अवसर पर ADM सचिव विनीत कुमार सिंह ने सबसे ज्यादा उत्पादों की बिक्री करने वाले व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। कहा, 15 दिन की प्रदर्शनी में 1,14,60,000 के उत्पादों की हुई है बिक्री। आगे भी प्रदर्शनी लगाने का कार्य रहेगा जारी। तहसील सदर के सभागार में SDM सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए भूमि विवाद, पुलिस व नगर निगम से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। डिस्ट्रिक्ट लीडर्स कॉन्क्लेव का BSA रामेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। कहा, जनपद के हर एक बच्चे को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बनाया जाएगा निपुण, जिसके लिए जनपद के सभी अध्यापकों को दिया जा रहा है ट्रेनिंग। मौनी अमावस्या पर राप्ती नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई श्रद्धा की डुबकी। राप्ती नदी में स्नान कर किया पुण्य प्राप्त, गौ दान कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना। और जनपद में हो रही धूप से लोगों को मिल रही है राहत। लोग घर से बाहर निकलकर कर रहे हैं अपना कार्य। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी के अंत व फरवरी मार्च के बीच होगी हल्की बारिश। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS में गोरखपुर शानदार भागीदारी की तैयारी के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। GIS के मद्देनजर जिले को अब तक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इन प्रस्तावों के मूर्त रूप में आने से करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलना संभव होगा। जिला प्रशासन GIDA और उद्योग विभाग को उम्मीद है कि 10 फरवरी से शुरू होने वाले 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले तक गोरखपुर में निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 75,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका होगा। निवेश प्रस्तावों को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए जल्द ही जिले में निवेशक सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार व्यापक कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। इस दिशा में फरवरी में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। बीते करीब 6 सालों में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी से उत्तर प्रदेश में देश दुनिया के निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ा है। निवेश की रफ्तार को और गतिमान करने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का अहम योगदान होगा। GIS को लेकर सरकार की तरफ से विभिन्न विभागों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निवेश के लक्ष्य दिए गए हैं। इसके तहत गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण GIDA को मिले लक्ष्य को रिवाइज कर 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। GIDA इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से काम भी कर रहा है।
गीडा के अलावा गोरखपुर विकास प्राधिकरण, उद्योग एवं हाथकरघा विभाग भी जीआईएस में अपना भरपूर योगदान देने में जुटे हैं। इन विभागों की तरफ से रोज उद्यमियों से संवाद कर उन्हें सरकार की नीतियों, कारोबारी माहौल की जानकारी देकर नए निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पहले राज्य सरकार के मंत्रियों के 16 देशों में रोड शो, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई रोड शो, प्रवासियों, उद्यमियों, बैंकर्स व फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ संवाद के बाद गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में अधिकाधिक निवेश की संभावनाओं को पर लग गए हैं। बेहतरीन रोड और एयर कनेक्टिविटी की सुविधा तथा उद्यमियों की मांग के अनुरूप पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के चलते समूचा गोरखपुर, खासकर गीडा, पहले से निवेशकों की पसंद बना हुआ है। इस बीच गीडा में 145 औद्योगिक और व्यवसायिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इनके जरिए भी बड़े पैमाने पर निवेश होगा। गोरखपुर में अब तक प्राप्त बड़े निवेश प्रस्ताव में ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए मेसर्स अवाड़ा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड निवेशक प्रवीण गोलास की तरफ से 22,500 करोड़ रुपए, पेपर मिल प्रोजेक्ट के लिए आरजी स्ट्रेटजी ग्रुप निवेशक प्रवीण गोयल की तरफ से 2,935 करोड़ रुपए, कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन निवेशक संजीव कक्कड़ की तरफ से 1,800 करोड़ रुपए, सोलर एनर्जी पार्क के लिए आरजी स्ट्रेटजी ग्रुप निवेशक प्रवीण गोयल की तरफ से 1,772 करोड़ रुपए, बांस आधारित उत्पाद के लिए आर्टिजन एग्रोटेक निवेशक देवोपम मुखर्जी की तरफ से 1,400 करोड़ रुपए, इथेनॉल और डिस्टिलरी के लिए कियान डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड निवेशक विनय कुमार सिंह की तरफ से 1,200 करोड़, कार्बोनेटेड ड्रिंक फ्रूट पल्प प्लांट के लिए वरुण बेवरेजेस निवेशक कमलेश कुमार जैन की तरफ से 1,071 करोड़, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट विस्तार के लिए अंकुर उद्योग निवेशक निखिल जालान की तरफ से 700 करोड़ रुपए, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए के कंस्ट्रक्शन निवेशक जगदीश आनंद की तरफ से 600 करोड़ रुपए, टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए केयर प्राइवेट लिमिटेड निवेशक गौरव बथवाल की तरफ से 500 करोड़ रुपए, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए इंडियन टेकर्स निवेशक नौशाद अहमद की तरफ से 400 करोड़ रुपए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए जालान उद्योग लिमिटेड निवेशक ओम प्रकाश जालान की तरफ से 400 करोड़ रुपए, ग्रेन प्लांट आदि के लिए इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड निवेशक सुनील मिश्रा की तरफ से 400 करोड़ रुपए, कैंसर हॉस्पिटल के लिए हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक स्मृति निवेशक रशेंदु फोगला की तरफ से 325 करोड़ रुपए, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग के लिए मेडलियन ट्रांसलिंक निवेशक संतोष कुमार जगदीश दुबे की तरफ से 300 करोड़ रुपए, फाइव स्टार होटल के लिए एडी एस्टेट डेवलपर्स निवेशक शोभित मोहन दास की तरफ से 300 करोड़ रुपए, टेक्सटाइल पार्क के लिए ABAR पेट्रो प्रोडक्ट्स निवेशक अशोक कुमार शाह की तरफ से 300 करोड़, टेक्सटाइल यूनिट के लिए जालान पॉलिटेक्स लिमिटेड निवेशक कविता जालान की तरफ से 250 करोड़, 250 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड निवेशक अतुल कपूर की तरफ से 200 करोड़ रुपए, हैवी इंजीनियरिंग प्लांट के लिए RBM इंफ्राकॉन निवेशक जय बजरंग मणि त्रिपाठी की तरफ से 200 करोड़ रुपए, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए तत्वा प्लास्टिक पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड निवेशक राजीव खट्टर की तरफ से 200 करोड़ रुपए, हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए सेंट्रल एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी निवेशक संजय मिश्रा की तरफ से 200 करोड़, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए रुद्रा गैस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड निवेशक कुश पटेल 200 करोड़, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए एस्प्रा लाइफ स्पेस निवेशक अतुल शर्राफ की तरफ से 200 करोड़ रुपए, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के लिए SD इकोस्फीयर प्राइवेट लिमिटेड निवेशक विनय अग्रवाल की तरफ से 158 करोड़ रुपए, बस बॉडी फैब्रिकेशन प्लांट के लिए कीर्ति इंटरप्राइजेज निवेशक अरुणेश शाही की तरफ से 150 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है।
उत्तर प्रदेश के युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के महानिदेशक ने जनपद में चल रही पीआरडी की भर्ती को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है, जिसके संबंध में जिला युवा कल्याण अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के युवा कल्याण विभाग द्वारा जनपद में 112 पीआरडी जवानों की भर्ती के लिए निर्देश दिया था, जिसका अखबार में विज्ञप्ति भी निकाला गया था। चयन प्रक्रिया के अनुसार आवेदन लिया जा रहा था, जिसका 24 जनवरी को फॉर्म जमा करने का अंतिम तिथि था, लेकिन सुबह मंडल कार्यालय से कॉल व लेटर आया था कि भर्ती प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित किया है, जिसको देखते हुए जनपद में आवेदन लेना बंद कर दिया गया है। जब दोबारा भर्ती के लिए आदेश आएगा तभी आवेदन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से 7000 व शहर से 500 लोगों ने फॉर्म लिया था, जिसमें कुछ लोगों ने फॉर्म जमा भी कर दिया था, जिसका फॉर्म सुरक्षित रखा गया है। वहीं जब गोरखपुर न्यूज ने युवा कल्याण अधिकारी से सवाल पूछा कि जो फॉर्म जमा है उसको भर्ती आने के बाद वरीयता दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि शासन से जो निर्देश आएगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों व जिला युवा कल्याण अधिकारी अमित कुमार सिंह ने कहा, मैं जो जानकारी दूंगा वो सटीक जानकारी दूंगा ना। मैंने दो तीन दिन के भाई, अभी जब प्रक्रिया ही रोक दी है तो मोहर लगे ना लगे उससे क्या फर्क पड़ता है। जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अगले एक मैं मोहर लगवा दूंगा। जब आएगा तो आप लोगों को सूचना दी जाएगी, न्यूज़पेपर में निकलवाऊंगा और सबको फोन भी करा दूंगा। ठीक है, कैंसिल हो गया है? स्थगित हो गया है, जब रिज्यूम होगा तो बाकी सारी चीजें होंगी। मतलब आप लोग धैर्य बनाए रखिए, पुरानी प्रक्रिया से पुरानी प्रक्रिया जो है जो अनुमानित कब तक सर? अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जब आएगा तो मैं आपको सूचना दूंगा न्यूज में। बिल्कुल प्रयास किए, प्रयास के कोई मतलब निकला ही नहीं। राजेंद्र कुमार, प्रदर्शन कोई नहीं कर रहा है सर। बस मान लीजिए हम लोग अपना फॉर्म लेकर आए हैं, फॉर्म नहीं जमा हो रहा है, हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है, फॉर्म निकाल दिए, उसके बाद आगे कुछ भी प्रक्रिया नहीं किए आगे। यहाँ पर आन अधिकारी कोई हम लोग के सामने समझ आया ही नहीं, तो क्या कोई बताएगा? ठीक है सर, मान लीजिए चिपका दिए, इससे पहले जो है चिपका दिए होते, जब भर्ती निकली तभी बता दिए होते कि भैया ऐसा निरस्त है। मांग करना है कि हमारी सुनवाई करें, अगर फॉर्म दिए हैं तो मान लीजिए हम ना हो, अगला जो उस योग्य है वह हो, कम से कम कोई तो होगा, किसी के घर तो मान लीजिए सुख से चूल्हा चलेगा। अनुप यादव है, गोला ब्लॉक से आए हैं हम। क्या मांग करना चाह रहे हैं? मांग यही है कि मतलब जब भर्ती निकाली गई थी तो उसको भरना चाहिए, और न कि उनको ऐसा मतलब स्थगित बता रहे हैं, कोई कैंसिल बता रहा है, तमाम तरह के अधिकारी बता रहे हैं यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या मामला है इन लोगों का, कुछ आपसी मामला है या फिर क्या है, उसको करना चाहिए। जब भर्ती निकालें तो उसको बढ़िया से ईमानदारी पूर्वक उसमें भर्ती करना चाहिए, यही मांग है हमारी। धन्यवाद आपको। हाँ, मुख्यालय के आदेशानुसार जनपद को 112 पीआरडी स्वयंसेवकों की भर्ती का आदेश मिला था, जिसकी हम लोगों ने प्रॉपर अखबार में विज्ञप्ति भी निकाली थी, दैनिक जागरण में भी निकला था और अमर उजाला में भी निकला था। प्रक्रिया के अनुसार आवेदन लिया जा रहा था, जिसकी 24 तारीख तक अंतिम डेट थी, लेकिन आज सुबह मंडल कार्यालय से उपनिदेशक महोदय का कॉल आया, फिर अच्छा चिट्ठी भी आई कि किन्हीं कारणों से मुख्यालय द्वारा इसको फिलहाल अग्रिम आदेशों तक रोक लगाए रखा गया है। उसी आदेश के क्रम में यहाँ जनपद में हमने आवेदन लेना अभी बंद कर दिया है, ताकि अग्रिम आदेश जब मिल जाएगा उसके बाद इसको रीइंस्टेट किया जाएगा। अब इसकी जानकारी अभी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अभी मुझे भी यही सूचना मिली है कि अग्रिम आदेशों तक आवेदन मतलब प्रक्रिया को रोका जाए,
अब जैसी सूचना मिलेगी आगे एक दो दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो आप लोगों को सूचना दी जाएगी। अब विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि 112 का जो भर्ती हो रहा था हम लोगों ने प्रक्रिया के अनुसार किया था, जिसने मुख्यालय ने आदेश दिया था उसी आदेश के अनुरूप भर्ती का प्रक्रिया किया जा रहा था। मुख्यालय ने आदेश दिया है कि अभी फिलहाल इसको अग्रिम आदेश तक रोक लगाया जाए, तो अभी अंतिम नहीं है ये, बाकी मुख्यालय से जब सूचना मिलेगी जैसी कार्रवाई के लिए बोला जाएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। ये भी बताया कि 7000 ग्रामीण से और 500 से ज़्यादा लोग शहर से फॉर्म लिए थे, इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तो फॉर्म हमारे कार्यालय से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जिन्होंने भी फॉर्म जमा किया था उनका फॉर्म यहाँ सुरक्षित रखा गया है, प्रॉपर सबको टोकन भी दिया गया है, उनका रिकॉर्ड जैसे दिया था वैसे सुरक्षित रखा गया है। आगे जैसा भी आदेश दिया जाएगा मुख्यालय द्वारा उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अभी यदि अगर दोबारा मुझे आदेश आता है तो क्या बच्चों को दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा या उसी फॉर्म पे वरीयता दी जाएगी? अभी जैसा आदेश आएगा उसी अनुरूप कार्रवाई होगी, अभी इस बारे में नहीं बताया जा सकता है कि क्या होगा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को जिताने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों ने एक निजी होटल में बैठक की, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व पदाधिकारी डॉक्टर समीर सिंह ने बताया कि हम लोग भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में बैठक किए हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के MLC प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को भारी मतों से कैसे जिताएं इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे ताकि प्रदेश के जो छात्र हैं उनका प्रतिनिधित्व हो सके। उन्होंने बताया कि और हम यह चाहते हैं कि देवेंद्र प्रताप सिंह को विधान परिषद में भारी मतों से विजयी बनाया जाए ताकि वह विधान परिषद पहुंचे और उत्तर प्रदेश में छात्रों की जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी डॉक्टर समीर सिंह ने कहा, ये हम ही लोगों से बीच निकल के अगर आज इन्हें हम भारी से भारी मतों से जिताने के लिए अगर एक एक छात्र नहीं है जो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जीत ना जीता हो, अगर ये जीतते हैं तो प्रत्येक छात्र नेताओं की जीत होती है, प्रत्येक छात्र नेताओं का सम्मान बढ़ता है। 2019 तक भी उनका हो चुका हो या स्नातक हो चुके होंगे और फॉर्म भरे होंगे, होते हैं सारे छात्र संघ के आदरणीय दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जी पूर्व छात्र संघ में गोरखपुर रणवीर सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच में मंचासी पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष बंधु प्रेमनाथ सिंह जी का स्वागत करें, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं सभी बड़े भाइयों को नमस्कार करता हूँ, सभी पदाधिकारी को सबको मेरा नमन नमस्कार। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में चार चाचा करते थे, उनका नाम आता था, उनके संघर्षों की बात आती थी, जहाँ बैठते थे सबकी चर्चा होती थी तो हम लोग सुनते थे, लेकिन आज भी जब भी हम लोग कहीं बैठते हैं तो अपना फर्ज को अदा करिए और देवेंद्र चाचा के पक्ष में सभी लोगों से अपील करिए कि इनके लिए सभी लोग मतदान करें और सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह। आज यहाँ आदरणीय दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, आदरणीय भानु सिंह जी हैं, हमारे रूप सिंह जी हैं, हमारे श्रीकांत मिश्रा जी हैं छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और ऐसे बहुत सारे हमारे पूर्व छात्र नेता और छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों का एक विचार विमर्श और गोष्ठी है जो आने वाले दिनों में विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान देवेंद्र सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए ये बैठक आयोजित है। हम सब विचार विमर्श करके उनको भारी बहुमत से कैसे जिताया जाए इस पर भी फोकस करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर जो उच्च सदन है उत्तर प्रदेश का, उसमें छात्रों नौजवानों और विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व के माध्यम से देवेंद्र सिंह जी इनकी समस्याओं का समाधान कर सके और इनको आने वाली कठिनाइयों को निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारी बहुमत से विजयी भेज के उनको उसका समाधान कराया जा सके। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के सपा प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य के समर्थन में सपा के वरिष्ठ नेता राजीव पांडे ने प्रेस वार्ता कर समर्थन दिया, जिसके संबंध में सपा के वरिष्ठ नेता राजीव पांडे ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करुणाकांत मौर्य को प्रत्याशी बनाया है, जिसका हम सम्मान करते हैं और समर्थन देते हैं। हम अपने सभी वोटरों से अपील करते हैं कि सपा प्रत्याशी के पक्ष में 30 जनवरी को मतदान करें।
करें, वही इस संबंध में गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के सपा प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य ने बताया कि चुनाव में 70% मतदाता सपा के पक्ष में मतदान करेंगे। इस चुनाव में बड़ा परिवर्तन दिखेगा। समाज का स्नातक वर्ग सपा प्रत्याशी के पक्ष में है और जो गुट बना है वह भी हमारे पक्ष में है, चाहे वह अधिवक्ता हो या शिक्षक, कर्मचारी हो या स्नातक बेरोजगार, सभी सपा प्रत्याशी को वोट करेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव जीतने के बाद शिक्षकों की समस्याओं को सदन में उठाने का काम करेंगे, उनकी मांगों को सदन में रखेंगे। इस अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष अवधेश यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ सपा नेता राजीव पांडे और गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र चुनाव के सपा प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य ने कहा, मेमोरी कार्ड पूरा करवा विद्यार्थी राजनीति से मैं निकला हुआ हूँ। ऐसा कोई है नहीं कि मैं स्नातकों के बीच में पहली बार आया। मैं पिछले 25 वर्षों से 30 वर्षों से इस क्षेत्र में रहा। हाँ, टिकट मांगा, टिकट बहुत लोग मांगते हैं, मैंने भी टिकट मांगा। नेतृत्व को लगा कि नहीं ये बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं, तो नेतृत्व ने इनको टिकट दिया। और जब ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मौर्य जी के साथ है। देखिए, ऐसा है कि मैं लगातार इस क्षेत्र में हूँ, आक्रोश है लोगों में, अध्यापकों में आक्रोश है, आक्रोश अधिवक्ताओं में है, आक्रोश नौजवानों में है, स्नातकों में है, तमाम उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के बीच में आक्रोश है। जो अभी एक प्रतियोगी परीक्षा हुआ था, आपने देखा था, गोरखपुर के लोगों का सेंटर गाजियाबाद डाल दिया गया, गाजियाबाद के लोगों का सेंटर आजमगढ़ डाल दिया गया। मैं ये कहता हूँ, मैं तो इस क्षेत्र में लगातार विद्यार्थी जीवन से हूँ, मैं तो हमेशा कहता था, सरकारें किसी की भी, कि हमारी प्रतिभा का अगर आकलन करना है तो हमारे प्रतिभा का आकलन हमारे गृह जनपद में क्यों नहीं हो सकता। हमारे प्रतिभा का आकलन गृह जनपद में होना चाहिए। तो निसंदेह इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी एक विषय है जिसमें हमारी पार्टी ने पिछले विधानसभा के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद हम कर्मचारी शिक्षक को पुरानी पेंशन लागू करेंगे। हम तो अध्यापक शिक्षकों के साथ हैं, तमाम माननीय और दैनिक भोगी जो कर्मचारी हैं, तमाम लोगों का भत्ता नहीं मिल रहा है, वो हमारे साथ हैं। हम उनके बीच जा रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षार्थियों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम सदन सड़क पे उतरे हैं, चुनाव में गए हैं, जनता की अदालत में है, जनता तय करेगी। लेकिन हमें ये लगता है कि यह चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। ये स्नातक चुनाव गोरखपुर फैजाबाद का चल रहा है। इस चुनाव के हमारे सहयोगी माने राजू पांडे जी हैं, हमारे भी बगल में बैठे हुए हैं, तो हम लोग तैयारी की समीक्षा और माने राजू पांडे जी जो बड़ी तैयारी इस क्षेत्र में किए थे, आज हमारा सहयोग देने की घोषणा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आज नहीं देखिए। और राजू पांडे जी समाजवादी पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और समाजवादी पार्टी ने जब निर्णय लिया हमको चुनाव लड़ाने का, तो माननीय राजू पांडे जी ने पार्टी का सम्मान करते हुए और इस चुनाव में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। इसीलिए चुनाव, स्नातक का चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। इस उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, जो आ भी रही हो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जा रही है और परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं। तो बेरोजगारी, जो हमारे सबसे बड़े वोटर हैं बेरोजगार, स्नातक बेरोजगार, निश्चित तौर पे हमारा मुद्दा हमारे बेरोजगारों के लिए रोजगार के किसका अवसर हो, इसके लिए हम सड़क से सदन तक उनकी संघर्ष करेंगे उसके लिए। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अनुदेशक जो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें स्थायी किया जाए, शिक्षा मित्र जो कहीं रेगुलर अध्यापकों से ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनको जो मानदेय मिलता है उससे उनका परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी घोषणा किया था कि हम शिक्षा मित्रों को समावेशित करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे
वित्त विहीन विद्यालयों के अध्यापक हैं बड़े पैमाने पर, एमए बीए डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के वो बेचारे 5,000 से 7,000 रुपये विद्यालयों में नौकरी करते हैं, जिससे उनका जीवन यापन करना बड़ा ही मुश्किल है। और सरकार इन सभी हमारे शिक्षित लोगों के प्रति कोई भी अपना सहानुभूतिपूर्वक कार्य नहीं कर रही है, न इनके जो दुख हैं उनके साथ भागीदारी कर रही है। तो निश्चित तौर पे इसके साथ जो हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, जिनके बुढ़ापे की लाठी ओल्ड पेंशन की मांग लगातार कर रहे हैं, हमारी समाजवादी पार्टी इसको भी अपने घोषणा पत्र में रखी थी कि हमारी सरकार बनती है तो कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को हम बहाल करेंगे। तो निश्चित तौर पे इन मुद्दों के साथ चुनाव क्षेत्र में है और इन मुद्दों के आधार पे समाजवादी पार्टी 2022 में 300 प्लस सीटों में बैलेट पे चुनाव जीती थी और ये भी चुनाव बैलेट पे होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे हमारे साथ 70% से ज़्यादा मतदाता इस क्षेत्र के हमारे साथ हैं और निश्चित तौर पे 30 तारीख को बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग करेंगे। कुछ भी कह सकता है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोट बने हुए हैं वो सारे के सारे वोटर हमारे, वो सब शिक्षित बेरोजगार हैं, उसमें से कुछ जो कर्मचारी हैं सब के सब दुखी हैं इस सरकार से। कोई वोटर किसी की जेब का नहीं है, मैं मानता हूं जो वोटर लिस्ट में जितने वोटर हैं सारे के सारे सम्मानित वोटर हमारे हैं और सभी लोग एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। शिक्षक वर्ग देखिए, मैक्सिमम शिक्षक गुट हमारे साथ है। शिक्षक गुट इस चुनाव में सबसे बड़ा गुट होता था शर्मा गुट, जो चुनाव लड़ने से मना कर चुका है, और सभी शिक्षक कर्मचारी ओल्ड पेंशन को लेकर के हमारे साथ। देखिए, ये चुनाव 70-30 के रेशियो में जाएगा, 70% समाजवादी पार्टी होगी और 30% में बाकी अदर होंगे। तो मैं नहीं मानता किसी से लड़ाई है। इस चुनाव को जीत कर आप बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? इससे देखिए, हम विपक्ष में हैं जरूर, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और सड़क से लेकर संसद तक सदन तक बेरोजगारों के लिए लड़ेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS में शानदार भागीदारी की तैयारी संग आगे बढ़ा है गोरखपुर जिले को। अब तक मिल चुके हैं 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, स्थानीय स्तर पर मिलेगा 50,000 लोगों को रोजगार। जनपद में चल रही PRD जवानों की भर्ती को उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के महानिदेशक ने अगले आदेश तक किया स्थगित। जिला युवा कल्याण अधिकारी ने कहा, अगले आदेश मिलने के बाद की जाएगी भर्ती, जमा फार्म है सुरक्षित। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को जिताने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों ने की बैठक। कहा, भाजपा प्रत्याशी सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे चुनाव, सभी छात्र हैं उनके साथ। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के सपा प्रत्याशी के समर्थन में सपा के वरिष्ठ नेता राजीव पांडे ने दिया समर्थन। कहा, पिछले कुछ सालों से MLC चुनाव के लिए कर रहा था तैयारी, लेकिन पार्टी द्वारा प्रत्याशी बदले जाने पर दे रहा हूं समर्थन। सपा प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य ने कहा, सभी शिक्षकों के गुट है हमारे साथ, 70% वोटों से जीतेंगे चुनाव। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में चल रहे मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के समापन के अवसर पर ADM सचिव विनीत कुमार सिंह ने सबसे ज्यादा उत्पादों की बिक्री करने वाले व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। कहा, 15 दिन की प्रदर्शनी में 1,14,60,000 के उत्पादों की हुई है बिक्री, आगे भी प्रदर्शनी लगाने का कार्य रहेगा जारी। तहसील सदर के सभागार में SDM सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए भूमि विवाद, पुलिस व नगर निगम से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। डिस्ट्रिक्ट लीडर्स कॉन्क्लेव का BSA रामेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। कहा, जनपद के हर एक बच्चे को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बनाया जाएगा निपुण, जिसके लिए जनपद के सभी अध्यापकों को दिया जा रहा है ट्रेनिंग।
मौनी अमावस्या पर राप्ती नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई श्रद्धा की डुबकी। राप्ती नदी में स्नान कर किया पुण्य प्राप्त। गौ दान कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना। और जनपद में हो रही धूप से लोगों को मिल रही है राहत। लोग घर से बाहर निकलकर कर रहे हैं अपना कार्य। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी के अंत व फरवरी मार्च के बीच होगी हल्की बारिश। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में चल रहे मंडल स्तरीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के समापन के अवसर पर शनिवार को एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह द्वारा सबसे ज्यादा उत्पादों की बिक्री करने वाले व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि मंडल स्तरीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 7 जनवरी से 21 जनवरी तक 15 दिनों के लिए लगाया गया था, जिसका समापन हुआ है। 15 दिनों में प्रदर्शनी में 1,14,69,000 के उत्पादों की बिक्री हुई है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगा था। व्यापारियों द्वारा बताया गया कि यहां अच्छी बिक्री हुई है और कहा गया है कि इस तरह के प्रदर्शनी आगे भी लगाया जाए तो हम लोग जरूर आएंगे, जिससे हम लोगों को रोजगार मिलता है। उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रदर्शनी में खाद्य वस्तुओं व हाथ के द्वारा बने वस्तुओं को एक जगह खरीदने का मौका मिलता है। हमारा प्रयास है कि इस तरह की प्रदर्शनी आगे भी लगाया जाए, जिससे लोग लाभान्वित हो सके। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, परियोजना निदेशक अनिल कुमार सिंह, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा। खाद्य ग्रामोद्योग अधिकारी श्री एके पाल साहब से कि हमारे परियोजना निदेशक आपकी जोरदार तालियां। तो आगे बढ़ाते हुए आइए हम सब ईश्वर की आराधना करते हैं, जिनके आशीर्वाद मात्र से। ओ माई पीड़ा वाली आई हम द्वार बानी, हम द्वार बानी लईका तोहार बानी हो। माई पीड़ा वाले आई हम द्वार बानी लईका तोहार बानी हो। बानी बेटा तू हस मानते सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि सच हमारे आज के मुख्य अतिथि गाजीपुर से आए हुए हैं श्री राजमणि वर्मा जिला विकास अधिकारी, श्री वीरेंद्र प्रसाद प्राचार्य सी एफ सी वीरेंद्र प्रसाद प्राचार्य जुबली इंटर कॉलेज गोपाल आशा है कि नंबर पे हैं। नहीं होना पूरे मेले में एक शादी को प्रमोट कर रहे हैं
खादी महंगी पड़ती थी, खादी आश्रम में जाकर के खादी खरीदना जी। स्थिति यह होती है कि अभी खादी के उसमें जाएंगे जी, तो खादी जो है अब रेडीमेड में आ गई तो 500 रुपये बन जा रही है, और कपड़ा इससे अधिक मिलेगा क्योंकि अपनी फैक्ट्री भी है और यूपी में हम लोग इसको प्रमोट अब बेहतर जो है प्रयास हो रखा है जी सर। वहाँ कहाँ पे है कानपुर में आपका जाजगांव जी, इन्होंने दो लाख 18,554 786 बहुत ही शानदार अंक। तीसरा बार जोरदार तालियां, हमारा प्रथम ही है सुरवा बाजार, श्री अजीत गुप्ता जी गोला, श्री विनोद कुमार बार गोला से 9 पॉपकॉर्न मशीनें दी जाएंगी, लेकिन अभी प्रतीक के स्वरूप हम एक यहां पर वितरित कर रहे हैं। कल ग्राम उद्योग अधिकारी महोदय से मिलकर अपने निःशुल्क दिया जा रहा है, ये बहुत ही शानदार। पांडे बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था आज। ये प्रदर्शनी जो खादी ग्राम उद्योग विभाग द्वारा लगाया गया है जुबली इंटर कॉलेज में, उसका समापन हो रहा है। ये प्रदर्शनी 7 जनवरी से यहाँ पे लगी हुई थी और इसमें सभी विभागों के स्टॉल जो अन्य जनपदों से अन्य प्रदेशों से भी आए हुए हैं और साथ ही साथ गोरखपुर जनपद और उसके आसपास के जनपदों के लोग भी आए हुए हैं, सबके द्वारा बताया गया कि उनका काफ़ी अच्छा बिक्री रहा है और काफ़ी दुकानदार इस प्रदर्शनी में आके अपना दुकान लगा के संतुष्ट हैं और उनके द्वारा यह इच्छा व्यक्त की गई इस तरह की प्रदर्शनी हमेशा लगाई जाए जिससे उनको और उनके परिवार को और आसपास के लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध होता है और साथ ही आम जनता को एक ही जगह पर खादी ग्राम उद्योग से जुड़े हुए वस्तुओं को खरीदने का मौका भी मिलता है शहर के वासियों को, तो दोनों तरफ से ये विन विन की पोजीशन है। इसमें दुकानदार भी लाभान्वित होते हैं और ग्राहक भी लाभान्वित होते हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा और खादी ग्राम उद्योग विभाग का भी ये प्रयास रहेगा कि इस तरह की प्रदर्शनी नियमित अंतराल पर शहर में लगाई जाए। सर 15 दिनों में कितने के लगभग बिक्री? 15 दिनों में लगभग 1,15,00,000 रुपये के आसपास की बिक्री हुई है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। यहाँ पे गोरखपुर वासियों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर यहाँ प्रतिभाग किया और अपने जरूरत की सब सामग्री खरीदी है और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि इस तरह से लोगों को लाभ मिले। SDM सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में SDM सदर नेहा बंधु ने बताया कि पूरे प्रदेश में महीने के पहले व तीसरे शनिवार को तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसको देखते हुए तहसील सदर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें अधिकतर मामले भूमि विवाद पुलिस नगर निगम से संबंधित आए थे, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो मामले आए थे वह लोग दोबारा तहसील दिवस में ना आए, उनके मामलों का पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर निस्तारण किया जाता है। उन्होंने बताया कि तहसील दिवस में एक नहर का प्रकरण आया था जिसमें तुरंत टीम बनाकर मौके पर भेजकर निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार सदर विकास सिंह,
असुरन चौकी प्रभारी शंभू प्रसाद साहनी सहित अन्य पुलिसकर्मी व राजस्व कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर नेहा बंधु ने कहा, तहसील दिवस के यहाँ पे समस्त विभाग से संबंधित मामले आ जाते हैं। राजस्व है, पुलिस है, विकास है, नगर निगम है, चकबंदी के भी कुछ मामले प्रकरण में आ जाते हैं। कोशिश यही रहती है कि जो मामले पहले आए हुए हैं वो मामले ना आए, उनका निस्तारण समय से हो जाए और जितना निस्तारण अभी तुरंत हो सकता है उनका संबंधित राजस्व निरीक्षक, संबंधित पुलिस विभाग से या जो नगर निगम के हैं उनके द्वारा तुरंत ही कर दिया। अभी एक नहर का प्रकरण था, उसमें तुरंत ही टीम मौके पर भिजवा के निस्तारण कराया जा रहा है। तो प्रयास यही है कि जो लोग आते हैं उनकी समस्या का ससमय हम निस्तारण कर पाए सभी के साथ मिलकर। अभी क्या है, समस्याएं राजस्व, पुलिस, नगर निगम, अभी तक 3-4 समस्याएं ज्यादा इस तरह की देखने में आ रही हैं। बीएसए रामेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में इनेक्सी भवन के सभागार में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में बीएसए रामेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि जनपद को निपुण बनाने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद के अध्यापकों को ट्रेन करने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया है, जिससे कि जनपद के सभी विद्यालयों के बच्चे निपुण हो सकें। हमारा पूरा प्रयास है कि जनपद के हर बच्चे का अटेंडेंस चेक कर रहे हैं, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में समय देकर निपुण हो सकें। भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार देश के हर बच्चे को निपुण बनाना है तथा भाषा व गणित में उसको दक्ष बनाना है, जिसको पूरा करने के लिए हम लोग हर महीने कार्यशाला करके सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मिशन के अनुसार निपुण भारत की योजना को लागू कर रहे हैं, हर बच्चे को निपुण बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए रामेंद्र कुमार सिंह ने कहा, एक तरह का इंटरवेंशन, एक तरह का रणनीति सा रहेगा आगे आने वाली निपुण यात्रा करना, शिक्षकों को प्रोत्साहित करना। जैसा कि रणनीति बना रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं, ये इंश्योर करने की जो नई शिक्षा नीति, आप सभी एक वर्किंग प्लान बनाएंगे और इस वर्किंग प्लान को बनाने के लिए आज बहुत सारे इनपुट दिए जाएंगे आपको आज और कल। कल एक मॉडल ब्लॉक का एक वर्किंग प्लान आपसे शेयर भी किया जाएगा, हमारे पाली और जंगल कौड़िया विकासखंड की टीम प्रस्तुत करेगी जिसको। उसी तरह आप लोग अपने विकासखंड के मॉडल वर्किंग प्लान बनाएंगे और वो एक्चुअल प्लान होंगे और उस प्लान के आधार पर 3 महीने आपको काम करना है और 3 महीने के काम के बाद फिर एक कॉन्क्लेव इसी तरह होगा और उसमें आप अपने प्रोग्रेस को प्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए इन सारी चीजों को कैसे आप अपने वर्किंग प्लान में रखेंगे इसको बहुत ध्यान से, बहुत बारीकियों के साथ समझिएगा, क्योंकि ये प्लान इसी टीम को बनाना है जो टीम यहाँ बैठी हुई है।
आगे चलते हुए रिव्यू बैठकों को जो आप सभी रिव्यू बैठक के ब्लॉक स्तरीय करते हैं हेडमास्टर्स के साथ, उस पर भी आप सभी को कुछ सुझाव, कुछ प्रस्तावित बिंदु आज आप सभी के समक्ष रखे जाएंगे। और अंत में जैसा मैंने बताया कार्य रणनीति का वो हिस्सा होंगे, तो इन कुछ बिंदुओं पर, चार बिंदुओं पर आप अपनी आने वाले समय में रणनीति। ये दो दिवसीय कार्यशाला है जनपद को निपुण बनाने के लिए, तो हम लोग इसमें एकेडमिक जो हमारे लीडर्स हैं ERP SRG और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, तो हमारी एक्सपर्ट टीम इनको ट्रेंड करेगी कैसे विद्यालयों में हम लोग प्लान बना के इम्प्लीमेंट कराएं, कैसे उसको प्रभावी सुपरविजन करें, शिक्षकों को हम कैसे प्रोत्साहित करें और प्रत्येक बच्चे को मैक्सिमम अटेंडेंस हम लोग उसका इंश्योर करें कि मैक्सिमम अटेंडेंस हो हमारे बच्चों की, और अध्यापकों को कैसे प्रोत्साहित करें कि बच्चे विद्यालय में आएँ, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को निपुण बनाना है, मतलब भाषा और गणित में उसको दक्ष करना है, तो उसी के उद्देश्य को हम लोग ये कार्यशाला कर रहे हैं। और हम लोग इस दो दिवसीय कार्यशाला, इसमें एक्सपर्ट ही हमारी ट्रेनिंग देंगे और हम लोग अपने कार्यक्रम को बहुत जल्दी लागू करेंगे और हम जल्दी से जल्दी निपुण बनाएंगे। इसमें ERP हमारे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हैं, सभी ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी हैं, हमारी SRG टीम है, डायट मेंटर्स हैं, डायट के प्राचार्य हैं, और हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं सब, DM सर, CDO सर, हमारे मंडलायुक्त सर, सबका हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है, सबका संबोधन मिलता है, सभी का मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग जनपद के अध्यापकों से अनुरोध भी करेंगे कि इसका वो लाभ उठाएं और अपने बच्चों को मैक्सिमम इंगेज करें, एम्पावर करें, एजुकेट करें और जल्दी से जल्दी निपुण बनाएं। मौनी अमावस्या पर शनिवार को हजारों श्रद्धालुओं ने राप्ती नदी में गंगा स्नान किया। आपको बता दें कि गोरखपुर और आसपास के घाटों पर भी श्रद्धालु नदी में नहाकर पुण्य प्राप्त किया। जनपद के अधिकांश नदियों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने नदी में श्रद्धा की डुबकी लगाने के बाद दान पुण्य किया। इसके अलावा कुछ महिलाओं ने गंगा मैया के नाम पर नदी के किनारे कढ़ाई भी चढ़ाया तथा गाय बछिया का दान कर मंगल कामना की। इसके अलावा नदी किनारे बाबू मेला लगा था, जहाँ पर श्रद्धालुओं ने स्नान करने के बाद मेले में पहुंचकर चना, जलेबी, समोसे और पकौड़े को खाकर उनका जायका लिया और मेले में घरेलू सामानों की जमकर खरीदारी की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालु मधुसूदन कुमार शर्मा, अभिषेक मिश्रा और पुजारी अभिषेक पांडे, अभिमन्यु शुक्ला ने कहा। अमुख नाम जजमानस है, अमुख गोत्र है, अन्नदान गौदान भगवान के है, लिया देखिए पूर्वान धारा बापा ने संसार सारम योगेन्द्र हर सदाधारे गुरु भवानी Yeah, ma! 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 Y
मकसूद और मानिए रशिया के ऑर्डर का स्नान करने रशिया करना है। कैसा लगा? और बहुत अच्छा लगा, गोर से लग रही है, धूमधाम है, देखने में अच्छा लग रहा है, भीड़ का लगा हुआ है। हम तो इलाहाबाद जा रहे थे, हम लोग इस बार नहीं जाएंगे, इस बार हम नहीं आएंगे। हर साल आते हैं, हर साल आते हैं, हर मौसम में आते हैं, हमें अच्छा लगता है। पहले कोई व्यवस्था नहीं था, हर व्यवस्था गया है। स्नान का क्या मान्यता है? अरे मान्यता जो गंगा जी मांगते हैं उनसे पूरा हो जाता है। कहाँ पे हैं? आए हैं ये गांव बखरा है, खजूर बगल में आए हैं। अभिषेक कुमार मिश्रा, और नवमी अमावस्या का पर्व है, यहाँ पे स्नान करने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा पर्व है। यहाँ पे नवमी अमावस्या के ही स्नान करने से कुछ जो शांत होते हैं, और इसी नाते हम यहाँ पे स्नान करने भी आए हैं। क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ की मान्यता है कि जो यहाँ के करीब के लोग हैं वो थोड़ा सा अगर इसको बढ़ावा देते तो शायद और भी अच्छा महोत्सव हमारे यहाँ ये हो पाता, लेकिन लोगों का अभी करीब के लोगों का ध्यान नहीं है, दूर से लेकर आकर स्नान यहाँ के करते हैं। कहाँ पे आए हैं? आज़ाद नगर से, आज़ाद नगर बस्तरपुर से। हमारा नाम अभिमन्यु शुक्ला। आज नवमी अमावस्या है, लोग यहाँ स्नान करने हैं, किस तरह की मान्यता है? यहाँ बहुत अच्छा मान्यता है, संत कांतरी का, गंगा मैया का कंठ है। यहाँ पर अपना सब लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं, स्नान बनाते हैं, गौ दान करते हैं, ब्राह्मण को दान करते हैं, अपना घर जाते हैं, बाल बच्चे को पालन का बढ़ते रहते हैं। यहाँ का व्यवस्था सही है, योगी जी की सरकार है, बढ़िया व्यवस्था है, ऐसा ही व्यवस्था होना ही चाहिए। हम ये देख रहे हैं गौ दान किया जा रहा है, इसकी गौ दान की क्या मानता है कि लोग? गौ दान का महानता ये है कि बैतरणी यही पार करवाती है, गौ माता यही आदमी का सबका पार करती है, गंगा ही गौ ब्राह्मण यही तीन सबको दान करते हैं, दान लेते हैं, दान कराते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान बांटते हैं, और क्या करते हैं। स्नान करने का समय क्या होता है? बढ़िया समय होता है, भगवान का समय होता है, सूर्य देवता का समय होता है, गंगा माता का उस समय होता है कि अपना दुख पाप सब दूर होता है, कष्ट कटता है, बाल बच्चे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, विद्वान होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, शिक्षित होते हैं, बड़े पोस्ट पर जाते हैं, बड़े पोस्ट पर रहते हैं। जो जितना करता है उतना ही पाता है, जब कर्मी तक गोल बताता नौ जात के पताता। हम ब्राह्मण क्या जो जानेंगे वही कराएंगे और वही बताएंगे। महाराज अभिषेक पांडे नाम है।
और नौमी अमावस्या का पर्व है, लोग यहाँ स्नान करने आए हुए हैं जी, क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ का एक ऐसा मान्यता है जो बहुत ही सदियों पहले यहाँ पे माँ गंगा का जो प्रभाव चल रहा है हमारे इस राजघाट के अंतर्गत में, और इस नाम से सारे लोगों का जो भी मनोकामना होता है वो माँ गंगा पूर्ण करती है, और हर तरह से हर इनका मनोकामना पूर्ण भी होता है, और बहुत ही पौराणिक ये स्थान है, और यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से अपना स्नान करके अपने सारे दुख दलिद्र को दूर करते हैं, और माँ गंगा उनके हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। गौदान का एक ऐसा महत्व है जो वेदों में दिया गया है कि गौदान से एक बैतरणी पार करने का एक जरिया होता है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग अपने पुराने लोगों के द्वारा जैसे भी उनकी पुरखात अपना गौदान वगैरह कराते रहते थे उस हिसाब से अपना गौदान करते हैं, और अपना भगवान का जो भी स्मरण करना होता है स्मरण करते हैं, गंगा मैया से अपना प्रार्थना करते हैं कि हे गंगा मैया हमारे गर्भ कष्ट को दूर करो, हमें शरीर से पुष्ट करो, सदा सुखी रखो, ऐसा वरदान मांगकर अपना गौदान ये लोग करते और कराते हैं। कहाँ से हैं? हम रुद्रपुर से हैं। जनपद में हो रही धूप से लोगों को राहत मिल रही है। आपको बता दें कि बदलते मौसम की वजह से लोगों को काफ़ी आराम महसूस हो रहा है। लगातार धूप निकलने की वजह से आम जनमानस में काफ़ी जोश और उमंग भरा हुआ है। लोग अपने आप को काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं और अपने अपने कामों में भी तेज़ी ला रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले घने कोहरे और शीतलहर की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थीं, लेकिन अब मौसम साफ होने की वजह से लोगों को काफ़ी राहत महसूस हो रही है। ऐसे में शुक्रवार की देर शाम तेज़ हवा और बूंदाबांदी होने से मौसम में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन शनिवार की सुबह धूप निकलने की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि शीतलहर खत्म हो रही है और ठंडी कम हो रही है, जिससे अप्रत्याशित मौसम, जिसको यूं कह सकते हैं कि बिन बुलाए मौसम या तेज़ हवा और हल्की बूंदाबांदी उसी तरह की है। जनवरी के अंत में फरवरी और मार्च के बीच में ऐसे मौसम हो जाते हैं जिसमें हल्की बारिश होती है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। मौसम विभाग के अनुसार ऐसे मौसम से किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती है। मौसम में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, अगले 2-3 दिनों बाद थोड़ा कोहरा रह सकता है, लेकिन बरसात या अधिक ठंडी की कोई ऐसी बात नहीं है। मौसम लगातार अब साफ ही रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए ऐसा मौसम को लेकर के चूँकि अब शीतलहर ख़त्म हो रही है, स्टेज डाउन हो रहा है, तो इस तरह का जो आप जिसे कहते हैं अप्रत्याशित बेमौसम वर्षा ये कुछ इस सीज़न में घटित होती हैं, मतलब जनवरी एंड फरवरी में मार्च के बीच में इस तरह की बेमौसम वर्षाएं होती हैं, तो उसी का एक बहुत एक लाइट सा वो था और येल्लो जोन की में उसको था, उसकी सूचना जो हम लोग को नाव कास्ट जो प्राप्त हुआ था IMD द्वारा उसके अनुरूप था, लेकिन इससे कहीं कोई क्षति की कोई सूचना या कहीं भी कोई फसलों को कोई नुकसान की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, और अब मौसम धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। अभी कुछ जगहों हो सकता है 1-2 दिनों बाद थोड़ा सा डेंस फॉग की सिचुएशन बने, लेकिन उसके बाद पूरा मौसम क्लियर है, और अभी कोई ऐसी पूर्वानुमान बारिश को लेकर के या शीतलहर को लेकर के अभी IMD द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS में शानदार भागीदारी की तैयारी संघ आगे बढ़ा है। गोरखपुर जिले को अब तक मिल चुके हैं 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। स्थानीय स्तर पर मिलेगा 50,000 लोगों को रोजगार। जनपद में चल रही PRD जवानों की भर्ती को उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के महानिदेशक ने अगले आदेश तक किया स्थगित। जिला युवा कल्याण अधिकारी ने कहा, अगले आदेश मिलने के बाद की जाएगी भर्ती, जमा फार्म है सुरक्षित। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को जिताने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों ने की बैठक। कहा, भाजपा प्रत्याशी सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे चुनाव, सभी छात्र हैं उनके साथ।
गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के सपा प्रत्याशी के समर्थन में सपा के वरिष्ठ नेता राजीव पांडे ने दिया समर्थन। कहा, पिछले कुछ सालों से एमएलसी चुनाव के लिए कर रहा था तैयारी, लेकिन पार्टी द्वारा प्रत्याशी बदले जाने पर दे रहा हूँ समर्थन। सपा प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य ने कहा, सभी शिक्षकों के गुट है हमारे साथ, 70% वोटों से जीतेंगे चुनाव। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में चल रहे मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के समापन के अवसर पर एडीएम सचिव विनीत कुमार सिंह ने सबसे ज्यादा उत्पादों की बिक्री करने वाले व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। कहा, 15 दिन की प्रदर्शनी में 1,14,60,000 के उत्पादों की हुई है बिक्री, आगे भी प्रदर्शनी लगाने का कार्य रहेगा जारी। तहसील सदर के सभागार में एसडीएम सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आय भूमि विवाद, पुलिस व नगर निगम से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। डिस्ट्रिक्ट लीडर्स कॉन्क्लेव का बीएसए रामेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। कहा, जनपद के हर एक बच्चे को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बनाया जाएगा निपुण, जिसके लिए जनपद के सभी अध्यापकों को दिया जा रहा है ट्रेनिंग। मौनी अमावस्या पर राप्ती नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई श्रद्धा की डुबकी। राप्ती नदी में स्नान कर किया पुण्य प्राप्त, गौ दान कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना। और जनपद में हो रही धूप से लोगों को मिल रही है राहत, लोग घर से बाहर निकलकर कर रहे हैं अपना कार्य। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी के अंत व फरवरी मार्च के बीच होगी हल्की बारिश, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।